अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की बात करें तो भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की थी और उन्हीं के जीवन पर बनने वाली फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस फिल्म के लिए शाहरुख खान का नाम सामने आ गया है, लेकिन इससे पहले आमिर खान का नाम इस फिल्म के लिए जोड़ा गया था, लेकिन आमिर खान ने किसी वजह से लेकर इस फिल्म को करने से मना कर दिया और शाहरुख खान का नाम मेकर्स को सजेस्ट किया था और शाहरुख खान इस फिल्म के लिए फाइनल किए गए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिसे जानकर शाहरुख खान के चाहने वाले थोड़े से निराश हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, पिंक बिला की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि शाहरुख खान ने इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 के चलते ऐसा किया है। हाल ही में गली बॉय के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फरहान अख्तर ने कहा था कि वह एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब कयास यही लगाया जा रहा है कि यह घोषणा डॉन 3 से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर किसी और बड़ी फिल्म को लेकर। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि शाहरुख खान सितंबर के महीने में ही साल 2018 में इस बायोपिक की शूटिंग शुरू कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जीरो रिलीज के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए थे। जीरो फिल्म के बाद सभी लोगों ने कहा था कि राकेश शर्मा की बायोपिक में शाहरुख खान नजर आने वाले हैं, लेकिन शाहरुख खान अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। वेल दोस्तों, देखना काफी दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है। क्या वो इसी फिल्म में नजर आएंगे या फिर वो डॉन 3 में नजर आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और इस खबर पर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।